मैं कढ़ाई में 2 कटोरी पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, उसमें थोड़ी सी नमक डाल दी हूँ, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नूडल्स डाल रही हूँ बॉयल होने के लिए, अब ये पक चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं पानी से, छान के निकाल लेते हैं। इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ कि आपस में चिपके नहीं, खिले खिले रहे। कढ़ाई ले लिया है, उसमें 4 चम्मच तेल डालने जा रही हूँ। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च मैं बाद में डालूंगी, शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको लो से हाई मीडियम में पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच विनेगर, 1/2 चम्मच ग्रीन चिली, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच हॉट सोया सॉस, 5 रेड चिली सॉस। अब इसमें नूडल्स डाल रही हूँ जो पहले से मैंने बॉईल कर रखा था, इसको हल्के हाथों से चला लें, नूडल्स को ज़्यादा भूनना नहीं है। अब मैं इसको दे रही हूँ गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अलग से मैं फ्लेवर के लिए धनिया पाउडर देती हूँ जिससे टेस्ट अच्छा लगता है, और नमक, क्योंकि सॉस में पहले से नमक मौजूद होता है इसलिए अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। ये नूडल्स तैयार है, आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं या पनीर चिली और मंचूरियन के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद लगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर ट्राई करें इसे एक बार बनाकर। थैंक यू।